इन टोटकों ने बदल दी मुंबई इंडियंस की किस्मत। सबसे ज्यादा 4 बार जीता है आईपीएल। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू लीग है, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ी के सपने साकार होते हैं। एक ऐसी लीग जहां से दुनिया के हर देश को बड़े बड़े क्रिकेटर्स मिलते हैं। अगर कहा जाए कि आईपीएल की वजह से आज भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है, तो ये गलत नहीं होगा। इंडियन प्रीमियर लीग की हर टीम बेहद ताकतवर है, इसमें कई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन लीग में 2 ऐसी टीम है जिन्होंने 12 से 7 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग की, जो अक्सर दूसरी टीमों पर भारी पड़ती है। वैसे खिताब जीतने में नंबर 1 मुंबई इंडियंस है, जिसने 4 बार आईपीएल जीता है। गजब की बात यह है कि 2018 में शुरू हुए आईपीएल को मुंबई इंडियंस शुरुआती 4 साल से नहीं जीत पाई थी, लेकिन फिर 2013 में इस टीम ने ऐसी पलटी पारी कि दुनिया दंग रह गई। मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई में एक ऐसी टीम खड़ी कर डाली है, उसे हरा पाना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। वैसे मुंबई इंडियंस की कामयाबी के पीछे उसकी कुशल रणनीति और कड़ी मेहनत के अलावा उसके टोटके भी हैं, जिनके सहारे ये टीम आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी बनी। आइए आपको बताते हैं कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल चैंपियन बनने के लिए किन टोटकों का सहारा लिया है। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल का आगाज कुछ सही नहीं रहा था। साल 2018 और 19 में वो लीग स्टेज में ही बाहर हो गई थी। इसके बाद साल 2010 में वो आईपीएल जीतने से चूक गई। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने साल 2011 में अपनी किस्मत बदलने के लिए टोटकों का सहारा लिया। टीम के पास मजबूत खिलाड़ी तो थे ही, लेकिन फ्रेंचाइजी ने मानसिक मजबूती के लिए ज्योतिषों का, वास्तुशास्त्र का सहारा लिया। पहला टोटका, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मुंबई इंडियंस ने साल 2011 में अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम ही बदल डाला। दूसरा टोटका, होटल के कमरे अंक विद्या और वास्तुशास्त्र के हिसाब से खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ को दिए गए। तीसरा टोटका, इसके साथ साथ टीम के खिलाड़ियों को लाल और चांदी रंग के रुमाल दिए गए। ये रुमाल खिलाड़ियों को जेब में रखने के लिए कहा गया, साथ ही खिलाड़ियों को गले में पहनने के लिए चांदी की चैन और लॉकेट दिए गए। खिलाड़ी भी करते हैं टोटके। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ही नहीं, उनके खिलाड़ी भी मैच में अच्छा प्रदर्शन के लिए टोटके करते हैं। जैसे टीम के सीनियर खिलाड़ी टीम बस में अपनी लकी सीट पर ही बैठते हैं, युवा खिलाड़ी उनकी सीटों पर बैठ पाते हैं जो कि खाली होती हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी जॉस बटलर ने खुलासा किया था कि वो मैच के दिन प्याज का सलाद नहीं खाते हैं। साथ ही एक पूर्व बल्लेबाज नीतीश राणा ने खुलासा किया था कि वो मैच में रन बनाने के लिए अक्सर अपने बल्लेबाजी पार्टनर के बाएं ओर खड़े होते हैं। कप्तान रोहित शर्मा जिन मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसी मैच की जर्सी वो बार बार पहनते हैं। मुंबई को हुआ टोटका का फायदा। मुंबई इंडियंस को साल 2011 में टोटके का फायदा दिखा, जो आईपीएल तो नहीं जीत पाई लेकिन वो प्लेऑफ तक पहुंची। इसके बाद हुई चैंपियन टी20 लीग का खिताब अपने हासिल किया था। 2012 में भी मुंबई ने आईपीएल में प्लेऑफ में जगह बनाई और साल 2013 में मुंबई की टीम ने पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उसने चेन्नई सुपर किंग को मात दी। इसके बाद मुंबई की टीम 2015-17 में भी आईपीएल का खिताब जीता। 2019 में भी मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उसने चेन्नई को महज 1 रन से हराकर रोमांचक अंदाज में जीत हासिल की। तो आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।